आज से करीब 6-8 महीने पहले हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों को आमंत्रित किया था। 3 दिन का प्रेजेंटेशन हुआ था कि हम लोग नहरों के किनारे रिजर्वॉयर्स पर और अपनी जो वेस्ट लैंड है उन पर सब पे कैसे सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करके विभाग के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी काम कर सकें। उस पर बहुत अध्ययन करने के बाद देश में कहाँ कहाँ पर ऐसे काम चल रहे हैं और दुनिया के अंदर कहाँ काम चल रहे हैं उनके सबको लेकर के आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक किया, जिसमें हमारे ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के SES और नेडा और सभी विभागीय अधिकारी, विद्युत विभाग और हमारे सिंचाई विभाग के लोग उपस्थित थे, जिसमें एक बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया है कि दोनों लोग मिल करके जितने हमारे रिजर्वॉयर हैं उस पर फ्लोटिंग सोलर एनर्जी के लिए और जो हमारे जमीन लैंड खाली पड़ी है उस पर भी हम लोगों ने सौर ऊर्जा को अच्छे ढंग से कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आज हम लोगों ने बातचीत किया है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम ये होगा कि अभी तक जहां इरिगेशन डिपार्टमेंट केवल सिंचाई के लिए पानी देता था, नहरों की व्यवस्था करता था, वहीं पर ऊर्जा को उत्पादित करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा हम लोग देने जा रहे हैं। तो उस पर आज बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किया गया है। जल्दी से जल्दी हम लोग 10-15 दिन के अंदर इसको अंतिम रूप देंगे और तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जैसे ही ये विद्युत विभाग और हमारे विभाग के बीच में जो आज बातचीत हुई है, इसके माध्यम से जो लोग इसका काम करना चाहते हैं काम करेंगे, क्योंकि ये PPP मॉडल पर होगा, गवर्नमेंट का कोई पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे ये सब चीज़ें तय हो जाएंगे उसके ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कि 6-8 महीनों में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे और काम करते हुए जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इसको पूरा करें। कितना मेगावाट बिजली? देखिए, मेगावाट बिजली तो तब आएगा, अभी सर्वे होगा, वो लोग जाकर के कंपनियां जब वहां पर देखेंगे और लैंड के एरिया को देखेंगे तो उस आधार पर होगा। हमारे पास जो अभी संभावित ये डिपार्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट कोई उसके बारे में बता नहीं सकता, ये विद्युत विभाग बताएगा, नेडा बताएगा और जो कंपनियां उसमें काम करेंगी वो बताएंगी। लेकिन बड़े बड़े एरिया हमारे पास हैं जहां पर 100-100 मेगावाट के हम बिजली को जनरेट कर सकते हैं, 10 है, 50 है, 100 है, ऐसे बड़े बड़े तो स्थान हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसके आधार पर हम लोग उस पर बातचीत करके उसको अंतिम रूप देंगे। इसके अलावा अभी हम एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जो नहरों की सफाई चल रही, अभी हम लोग नहरों की सफाई बड़ी तेज़ गति से कर रहे हैं। पिछली बार भी आप लोगों के सबके देखरेख में बहुत अच्छी सफाई हुई थी, फिर एक बार हम लोगों ने अभियान के तहत नहरों की सफाई को लिया है, उस पर भी बड़ा काम हो रहा है। आज हम लोग उसकी समीक्षा भी इसके बाद करने जा रहे हैं।